Sky blue has aluminium, cobalt, zinc, fish. Okay, ये जो है grapes में पाया जाता है, poultry में पाया जाता है, fish जितना भी fish related वो सब में sky blue color की property होती है. It is associated with upper portion of the body, like head, face, shoulders. Okay? वहां हमारा स्काई ब्लू कलर ज्यादा होता है. साइकोलॉजिकल हेवनली कॉन्शियसनेस, ये थोड़ा स्पिरिचुअल कलर, इसलिए ये ऊपर जगह में पाया जाता है. तो इसका साइकोलॉजिकल क्या होगा? हार्मनी चाहिए उस बंदे को, कामनेस या कॉन्शियसनेस ज्यादा होगा. ठीक है, हमेशा स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करेगा. ठीक है, ये थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट्स को बैलेंस. सेडेटिव इफेक्ट्स क्या होता है? जैसे आपको एनेस्थीशिया दिया, वहां से रिवाइव करने के लिए हम स्काई ब्लू कलर यूज करेंगे. अगर कभी कभार एनेस्थीशिया में काफी बैड इफेक्ट भी हो जाते हैं. ओके, उस चीज में बैलेंसिंग, हार्मोनाइजिंग द ब्लड स्ट्रीम्स, इट हेल्प्स the introvert to come out of the shell. कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, या you know those people जिनको बहुत introvert बोलते हैं, उन लोगों के लिए हम sky blue color use करते हैं. It reduces nervous excitement, devotion, sincerity देता है, intuition बहुत बढ़ा देता है sky blue color. अगर ज्यादा हो तो lazy बन जाता, फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा नहीं ना, वो तो लेजी ही रहेगा. फिर फिजिकल, फिजिकल में क्या है? अगर रेड कलर की प्रॉपर्टी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वी नो दैट जब समर होता है तो हम ब्लू कलर ही पहनते हैं ना, तो ब्लू कलर. इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देता है. इट बिल्ड्स वाइटैलिटी, इट गिव्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी. किसी का हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम की हीलिंग करनी है, स्काई ब्लू कलर यू कैन यूज. ब्रेन सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ गया, स्काई ब्लू कलर. इन्फ्लेमेशन इफेक्ट को घटा देता है. आर्थराइटिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन. ओके, तो यू कैन यूज दिस. फीवर में रामबाण है बेसिकली स्काई ब्लू कलर. किसी भी तरीके का जलन इन योर बॉडी, उसमें ये ठंडा कर देता. हाई बीपी, हेडेक, हार्ट पल्पिटेशन, इंसोमनिया, एपिलेप्सी, इन सब में स्काई ब्लू विल हेल्प.